अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। भारत के साथ तो पाकिस्तान की दुश्मनी तारीखी है, तीन जंगें भी हो चुकी हैं। अभी अफगानिस्तान के साथ भी सरहद के ऊपर जो झड़प हुई चमन के मुकाम पे, वहाँ पे भी कशीदगी जारी है। जिसको हम बाब दोस्ती कहते थे, वो बाब दोस्ती भी आज बंद है। और फिर आज के दिन ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद हुसैन बाकरी ने एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपने इलाके के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई न की तो फिर ईरान जो है अस खुद उन ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बयान कुछ दिन पहले ही ईरान के तकरीबन 8 से ज़ायद जो बॉर्डर गार्ड हैं उनकी हिलाकत के बाद सामने आया है। और ईरान का इल्ज़ाम था कि जो जिन ग्रुपों ने हमला किया उनके बॉर्डर गार्ड्स के ऊपर, वो पाकिस्तान में पना ले रखी है उन्होंने। अब तीन जो अतराफ हैं पाकिस्तान की, तीन सरहदें इस वक्त वो तनाव का शिकार हैं, कशीदगी का शिकार हैं। और ख़ासकर अफगानिस्तान के जो साथ मामला है उसमें तो सूरत हाल अब यहाँ तक जा पहुँची है कि पाकिस्तान की जो तारीखी एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, ड्यूरन लाइन है, जिसको पाकिस्तान ने हमेशा से कहा था कि यही इंटरनेशनल बाउंड्री है, अब चमन के कुछ इलाकों के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये तय हुआ कि सरहदों का दोबारा से सर्वे किया जाएगा। और ये मामला मुकामी सतह पर लोकल कमांडर्स के दरमियान ये मामला तय हुआ और अभी वो सर्वे जारी है। हमारे सामने इस वक्त सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त किस किस्म के सरहदी चैलेंजेस उसको दरपेश हैं और किस सतह पर इन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए, इसी हवाले से आज हमने मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर साबिक सफ़ीर पाकिस्तान तारिक असदुद्दीन, जो अफगानिस्तान में भी सफ़ीर रहे हैं, तुर्की में भी सफ़ीर रहे हैं और वसी तजर्बा रखते हैं सफारतकारी का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर टायर साद मोहम्मद, दिफाई तजियाकार हैं और अफगानिस्तान के मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ही ज्वाइन करना था डॉक्टर जी जमाल और अगजई ने, जो कि रुकन असम्बली हैं, फाटा से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने वादा किया मगर अभी तक हम मुंतज़र हैं स्टूडियो में, वो किसी वक्त भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो टेलीफोन पे ही हमें कम से कम रब्ता कर लेंगे। हमें फ़ोन लाइन पे ताहिर खान ज्वाइन करेंगे, जो अफगान अमूर के हवाले से सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी और अफगान अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। और हमें ताहिर खान से ही गुफ्तगू का आगाज़ करना था मगर आज जो सरताज अज़ीज़ ने, हमारे मुशीर खारजा हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल के हवाले से जो बात की है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। What happened near Chaman was very unfortunate because we don't want any violence between our Chaman के करीब जो भी हुआ बदकिस्मती है। हम दोनों ममालिक के दरमियान तशद्दुद और इंसानी जानों का ज़िया नहीं चाहते। दोनों ममालिक को डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हम ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सफारती रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। हम सफारती तरीके से अदम एतमाद की फिजा को ख़त्म, बाहमी एतमाद की फिजा को कायम करना चाहते हैं। अगर उन्होंने बॉर्डर पर एक मसला देखा था, ये अफगान वजारत खारजा की जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमें मसले के बारे में आगाह करते। उन्हें टेलीफोन करके बता देना चाहिए था कि यहाँ पर मसला है, लेकिन उन्होंने मसले को फायरिंग के जरिए हल करने की कोशिश की। अपनी सालमियत की खातिर हमने भी भरपूर कार्रवाई की। हम अपनी सालमियत और सिक्योरिटी पर समझौता नहीं कर सकते। अब दोनों ममालिक ने बॉर्डर के दोनों अतराफ सरहद के तायुन पर इत्तेफाक किया है। मुझे उम्मीद है कुछ दिनों में सरहद के करीब मुतनाज़िया गांव का मामला हल हो जाएगा। मुकामी और आला सतह के कमांडरों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। meeting between the local commanders as well as the higher level commanders. ये थे मुशीर खारजा सरताज अज़ीज़, जो अब सफारती सतह पर बहुत सारे मामलात को हल करने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत पर जोर दे रहे थे। हम बात करेंगे एम्बेसडर तारिक असदुद्दीन साहब आपसे। आप समझते हैं कितने बड़े चैलेंजेस हैं आप, खासकर जो ईरान की तरफ से भी अब एक बयान आया है, उनके आर्मी चीफ ने बयान दिया है अफगानिस्तान के साथ पहले हमारी कशीदगी चल रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के ऊपर भारत के साथ तो मामलात बहुत पुराने हैं, तो आपके ख्याल में कहाँ पे ख़राबी है कि पाकिस्तान के इस वक्त तीन पड़ोसी ममालिक जो हैं वो सरहदों के ऊपर वो काफ़ी तल्ख मूड में हैं? आम तौर पर तो इस बात को लोग एक बड़े आसान फार्मूले से बयान करते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, गवर्नमेंट की फेलियर है, वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन ये बातें जो हैं उस वजह से सामने नहीं आईं
जैसे आपने बताया हिंदुस्तान के साथ हमारी तारीखी एक मुश्किलात हैं और रहेंगी, हल हो सकती हैं जब दोनों पार्टीज़ विलिंग हो जाएं कि विल पैदा करें कि इसको हल करें तो हल करेंगी। ईरान का नया दाखिल होना इस शेप एंड फॉर्म में थोड़ा सा मायूस कुन है, दिल खफा करता है। ईरान की अपनी कुछ रीजनिंग होगी, कुछ वजूहात होंगी जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया हुआ है जो बड़ा स्ट्रेटिजिक मुआहदा है, जिसमें ईरान ने भारत को मदद ऑफ़र की है, अपनी ज़मीन ऑफ़र की है। अगर आप किसी वक्त पाकिस्तान में बजंग हों तो आप ईरान में ईरान की ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ईरान बतौर मुस्लिम मुल्क उसकी पॉलिसी का कि एक असूल नहीं है कि किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने किसी और मुल्क को नहीं देगा, ये उसका जैसे उन्होंने अमरीका के हवाले से भी इस तरह का कोई। जब ईरान ये समझता है कि उसकी कौमी मुफाद में ये है तो ये उसूल और ये चीज़ें सब जो हैं एक तरफ रखी जाती हैं और इस किस्म के हालात पेश आती हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात सदर अयूब और भुट्टो साहब तक बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ईरान में उस वक्त शहनशाह ईरान था, जब शहनशाह उतरे हमारे पास उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक। मगर आज जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो क्या जनरल राहिल शरीफ का सऊदी इत्तेहाद की कमान। जी हाँ, मैं उधर ही आ रहा था कि जनरल राहिल शरीफ ने बयान दिया, कोशिश की कि वो ईरान को भी इस अलायंस में शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहना तो एक है, कितने खुद मुख्तार हैं इस बात के लिए जनरल राहिल शरीफ, ये तो अभी वक्त बताएगा कि कितने खुद मुख्तार हैं। लेकिन ईरान ने उस बात को या उस पोटेंशियल को भी किल कर दिया कि हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बनाई हमारे ख़िलाफ़ है। ठीक है, हमारे मैं वैसे साहब आपके पास भी आऊँगा दोबारा, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान जो BBC के लिए भी काम करते हैं, इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, सहाफ़ियों का एक डेलीगेशन अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है, पाक अफ़गान सरहदी जो तनाज़ा है, जो कशीदगी है, उसके हवाले से इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान के जो फौजी हुकाम हैं सरहदों की जो है असर नो तयन किया जा रहा है कुछ इलाकों में, तो कितना मुमकिन है कि ये मामला जो है इस तरह हल हो जाएगा? शुक्रिया आपका मंजूर अजान साहब। मेरी नज़र में यहाँ तो जो माहौल हमने देखा है, लोगों को जो सुना है, साबिक सदर हामिद करज़ई से आज हम मिले थे, अफगानिस्तान के जो मुंतज़िम आला है चीफ एग्जीक्यूटिव उनसे मिले, डॉक्टर अब्दुल्ला से, और इनके जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र है हनीफ अतमर से, सब से मुलाकातों में तो जो मुझे अंदाज़ा हुआ सरहद पे तो शायद ये किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है। हामिद करज़ई ने वही पुराना वाला दोहराया कि जी ड्यूरेंट लाइन को कोई भी अफगान हुकूमत तस्लीम नहीं करेगा, तो यहाँ तो माहौल बिल्कुल वो पुराने वाले इल्जाम भी हैं, पुरानी वाली सोच भी है, हमने तो कोई तब्दीली नहीं देखी। इसका जिक्र भी करते रहे उसमें चमन पे जो हुआ है, हामिद करज़ई ने तो कहा कि उनको अफसोस है कि यह वाक्य हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और वही जो पाकिस्तान में बैठ कर हम सुनते हैं कि अफगान रहनुमाओं के बयान वहाँ, क्या हमने उनके सामने बैठ करके वही सुना, तो मेरी नज़र में सरहद वाला जो मामला है, क्योंकि यहाँ पर इनका मौकफ है ये अपने आप को वो सही समझते हैं कि उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है। पाकिस्तान में वही सोच है कि वहाँ जो उनके पास दलाइल है, नक्शे है, वो उसमें क्योंकि आज और अफगान मीडिया को आज मैंने जो सुबह सबसे पहले जो अखबार अफगानिस्तान टाइम्स है उनका जो उनकी जो लीड है जो शे सुर्खी है वही कंधार के जो पुलिस सरबराह है अब्दुल राजिक का, जनरल राजिक का, तो उसमें उन्होंने वही गए पाकिस्तान को उन्हें खबरदार किया है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो अंदाज़ा 3 दिन से हम इधर है, यहाँ पे ना तो कोई पाकिस्तान के वाले सोच में कोई तब्दीली है, ना यहाँ पे उसी मसले को हल करने के लिए हमने तो कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की, बल्कि ये कहते कि ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा ताहिर खान साहब, ये जो बॉर्डर के ऊपर कुछ इलाकों की सरहदों का तयन हो रहा है, अगर मसला ड्यूरेंट लाइन का है तो ये किस किस्म का सर्वे हो रहा है? यहाँ तो किसी ने इन मुलाकातों में तो सर्वे का कोई वो जिक्र नहीं किया यहाँ पे,
कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमारे मीडिया में या हमारे जो लीडर वहाँ पे या सिविलियन या फौजी तो वो कह लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरी तरफ शायद वो चीज़ ना हो। तो यहाँ तो हमने, मैंने जिस तरह कहा कि यहाँ तो किसी ने, यहाँ तो जब सरहद का नाम भी लिया जाता है तो उस पर भी यहाँ पे बड़ा एक हसासियत सा एक माहौल होता है वहाँ पे। ये तो बॉर्डर के लफ्ज़ से भी इंतहाई वो यानी एक किस्म के उनको एक एलर्जिक है, ये एलर्जिक है उस बात को सुनने की। तो मेरी नज़र में यहाँ तो हमने कैसी, यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्वे हो रहा है, या तो मुमकिन है कि क्योंकि यहाँ पर ये भी हमने इनको सुना कि एक ये जो इनको लकीर कहते बीरून लाइन कहते हैं तो वो पहले से तयशुदा है, वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन सरहद वाली या नए सर्वे वाली या हमने किसी को नहीं सुना। ठीक है, तो तारखान साहब आप तो वैसे अफगान वॉर भी कवर करते रहे हैं, तो ये मसला आप कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन का है और कोई हालिया ऐसी इंक्रोचमेंट का इल्ज़ाम नहीं है पाकिस्तान के ऊपर? दो चीज़ें हैं, मसल कल हम मिले थे यहाँ पे जो नायब इनके वजीर इत्तेलात है अफगानिस्तान के, जो डॉक्टर अब्दुल्ला के किसी ज़माने में तर्जुमान भी थे, उन्होंने जो बात की है उनका यह ख्याल है कि गलती पाकिस्तान की है, बल्कि उन्होंने तो ये भी दावा किया कि पाकिस्तान ने तस्लीम किया गलती। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि वहाँ तो ये मौक़ है कि अफगानिस्तान ने अपनी गलती को तस्लीम किया है, फिर उनके पास जवाब नहीं था। तो ये कन्फ्यूजन सी भी है और मतलब है कि मसाइल जो यहाँ हमें जो मुलाकातों में सामने चीज़ें आ रही, तो यहाँ पे कुछ शायद हाल की तरफ कोई मामला नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तार खान, हमें आपने अपडेट किया अफगानिस्तान से। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बॉर्डर के ऊपर अब देखें अफगानिस्तान में जो हमें खबर वहाँ से आई, तार खान ने बताया, उस वहाँ पर तो जो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर तो वो शायद इशू ही नहीं है। ये इशू कुछ चंद सरहदी इलाकों के सरहदों के तयन का नहीं है, बल्कि ये इशू तारीखी है जिसमें अफगानिस्तान ने एक दावा किया हुआ है कि ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम नहीं करते। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के कितने मफाद में है कि चंद इलाकों का असर नो की सरहदों का सर्वे करना, पाकिस्तान इस पर आमादा हो जाए, और ये किस सतह पर यह फैसला हुआ है? ये जो वाक़ हुआ है लुकमान और जहांगीर कले के जो वाकया हुआ है, ये अगर आप ये गांव देखें तो ये तकरीबन डिवाइडेड हैं। कई जगहों पे गांव के बिल्कुल एक जो मेन हाईवे है या मेन स्ट्रीट जो है उसको एक साइड पे घर जो है वो पाकिस्तान में है, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान में है। अभी मुझे जो लगता है, क्योंकि जो DGMO से बात हुई और जो लीक्स हुई हैं, मतलब है किस तरह, कोई फॉर्मली तो किस तरह नहीं कहा है, लेकिन उसमें यह है कि अफगान जो अहलकार हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में, उन्होंने कहा है कि ये रिग्रेट किया उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए था। तो फिर क्यों हुआ? जो वहाँ पर अफगानिस्तान में इस वक्त है एक ब्रेक डाउन ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटी हो रही है तालिबान के ऑफेंसिव की वजह से, और ये वो आपने देखा अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान एक टसल है पावर की, वो है अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी थी जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर ने आना था, वो अभी तक अशरफ गनी ने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाला हुआ है। मजार शरीफ में हमला हुआ जिसकी वजह से उनके जो आर्मी कमांडर हैं और उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं दोनों ने इस्तीफा दे दिए। जो यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है अब्दुल राजिक अचकज़ई, ये शदीद पाकिस्तान मुखालिफ आदमी है, ये NDS में भी रहा है और आजकल वो उसका बॉर्डर पुलिस का, जो कंधार का बॉर्डर पुलिस है, उसका इंचार्ज भी है। एंड मुमकिन है क्योंकि इसका NDS का ताल्लुक है, तो NDS के थ्रू इसको कोई आया हो कि कोई आप कुछ कर दें, और उसको ये मौका मिला सेंसेस का और उन्होंने ये फायर वगैरह खोला। अभी ड्यूरेंट लाइन जो है वो अफगानिस्तान जितना मर्जी उसको एजिटेट करे वो करे, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम जिधर बैठे हुए हैं, हम ड्यूरेंट हमारे नक्शों के मुताबिक हम अपने सरहद जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई कि हमने डिमार्केशन की बात क्यों की है। बॉर्डर तो ऑलरेडी मार्केटेड है और जिधर हम बैठे हुए हैं हम समझते हैं कि हम सही बैठे हुए हैं। हम भी कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, और हम तो कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, सारी दुनिया कहती है इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो बशमूल हिंदुस्तान के, तो फिर ये किसने बशमूल के, किसने एग्री किया? तो ये मुझे भी मिलिट्री कमांडर ने उधर किया, एक ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग हुई उनके एक उसी सतह के ऑफिसर के साथ और उसमें ही डिसाइड हुआ। ये पॉलिटिकल मामला है, स्टेट टू स्टेट, ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी का मामला है। ये इस किस्म का नहीं होता कि दो छोटे कमांडर बैठ के, मिडल ऑर्डर बैठ के और वो डिसाइड करना शुरू कर दें। अभी होगा ये कि जो ये होगा, मुझे पूरा यकीन है
कि ये पाकिस्तान में पाए जाएंगे ये इलाके, अफगानिस्तान कहेगा ये हम नहीं मानते हैं, तो वी गो बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने आपको डिस्प्यूट में डाल दिया है। अभी एक हिस्ट्री में चला जाएगा कि ये जो इलाका है ये डिस्प्यूटेड है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, पाकिस्तान भी मान गया था कि हाँ जी हम इसको डिमार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको क्या पता है कि कल वो किसी और जगह पर इस किस्म की बातचीत करें तो फिर आप उसको भी डिमार्केट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से पूरे बॉर्डर को वो डिस्प्यूटेड बनाना चाहता है और हम उस ट्रैप में गिर गए हैं। ये ट्राइपार्टाइट कमीशन में ये अफगानिस्तान हमारे साथ क्या करता था, जिसमें मैं बैठा होता था, उसमें ये इस इशू को एजिटेट करते थे कि आप 3 किलोमीटर अंदर आ गए, 4 किलोमीटर अंदर आ गए। हमारा जवाब पाकिस्तान आर्मी का ये होता था कि ये ना मिलिट्री इशू है, ना ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, ये पॉलिटिकल इशू है, तो इसको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसको डील करे। लेकिन आपने अंगूर अड्डा दिया, आप, मैं इसलिए अफगान माइंड को आपको बताना चाहता हूं कि आप अफगान माइंड को समझें, आपने अंगूर अड्डा यूनिलैटरली आपने अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। उसका फैसला किसने किया, वो भी आर्मी ने किया मेरे ख्याल में, तो आपने हैंड ओवर किया थैंक यू कहने के बजाय, उसने कहा ये तो हमारा था ही था, 4 किलोमीटर और भी हमारा, तो आपने क्या अचीव किया, गुडविल अचीव किया आपने, आपने गुडविल अचीव नहीं किया, आपने उसने मजीद इलाका, आप क्या कहना चाह रहे हैं जिसका काम उसको साझे, बिल्कुल मतलब है कि इसमें मिलिट्री को नहीं पढ़ना चाहिए था, इसमें उनको चाहिए था कि जी आप बात करें, हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी और दी एफसी विल डिफेंड व्हाटएवर एरिया वी आर होल्डिंग, आपने कोई बात करनी है तो आपका वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे इस्लामाबाद गवर्नमेंट के साथ बातचीत करे, वो अगर कहते हैं आप पीछे हट जाते हैं, आप कहते हैं ये एक मिस्टेक हुई हमें, लेकिन इस मिस्टेक से अब निकलना कैसे है, इस पे भी बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। को दरपेश सरहदी चैलेंजेस के हवाले से एम्बेसडर तारिक अज़ीज़ुद्दीन साहब, अफगानिस्तान में तो जो सूरत हाल है ब्रिगेडियर साहब ने उसका इशारा तो दिया, मगर हमारे यहाँ भी सूरत हाल को इतनी अच्छी तो नहीं लग रही, सरहदों के ऊपर बैठे मिलिट्री कमांडर्स जो फैसले कर रहे हैं वो शायद फॉरेन ऑफिस और हुकूमत की सतह पर, हुकूमतों की सतह पर होने चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको कि इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी और कहाँ पर हुकूमत नाकाम हुई है इस मामले को संभालने में? हुकूमत को दिखाना चाहिए अपने आवाम को और दुनिया को कि उसको इन बातों पर समझ है और उबूर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत को इन बातों की समझ नहीं है, इन बातों की तरफ उनका रुझान ही नहीं है, और सिर्फ दिन की खबर सुनते हैं उस पर रिएक्टिव एक कोई बयान कोई दे देता है तो दे देता है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को पता नहीं है, अगर पता होती तो हुकूमत की इस बात पर पूरी पॉलिसी तय होती और वो पॉलिसी फ़ौज को भी पता होती और फौज के कमांडर्स जो सरहदात पर हैं उनको भी पता होती, जिसकी वजह से उनको अपने हद पता होते कि क्या चीज़ वो बात कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लोकल कमांडर्स के लेवल पर बातचीत हो जाती है जब इस किस्म की कोई हलचल पैदा होती है, वो सीज़ फायर की हद तक, लेकिन सिर्फ उस हद तक, यू कांट गो बियॉन्ड योर मैंडेट, अपने मैंडेट से तजावज करके आगे बढ़ के इस तरह की बातें एग्री करना जो कि 100% सियासी बातें हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि पीछे से सियासी गाइडेंस कोई आई ही नहीं। इवन बॉर्डर क्लोज करना ये फैसला भी हुकूमत को करना चाहिए या लोकल मिलिट्री कमांडर्स को? उस वक्त तो बॉर्डर को क्लोज करना, वो तो फायरिंग के दौरान तो खैर हो ही जाते हैं, कमांडर को करना चाहिए, मगर क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज है हमारे हाथ में जो कि अफगानिस्तान को सीधी राह दिखाने के लिए एक तरीका है। ब्रिगेडियर साहब ने अंगूर अड्डा का जिक्र किया था जी, आपके ख्याल में उस वक्त भी हमें डिफरेंट सतह पर फैसले करने चाहिए थे? अंगूर अड्डा की एक बात अगर डेप्थ में देखी जाए तो जहाँ पे लाइन डिमार्केटेड है अंगूर अड्डा, उससे अफगानिस्तान वाली साइड पर था जो कि हमारी, मगर फिर भी बात डिसीजन मेकिंग की हो रही है जो कि हमारी पोजीशन में, बात फैसला किसने करना है उसकी हो रही है। जी हाँ, वो किसको करना चाहिए था? तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपने सिचुएशन का पता होना चाहिए तब फैसले की कुर्सी में पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठती है ना, जब पता ही नहीं है तो फिर फैसला क्या करेगी। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से आप भी एम्बेसडर हैं, आप जानते हैं अफगानिस्तान की पॉलिसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो कभी नहीं तय करती रही, तो अब इस मामले में आप कैसे तवक्को कर रहे हैं कि अचानक से जो है अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैसले करने? लेकिन जब मैं एम्बेसडर था उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हेड थे मिस्टर शौकत अजीज, सिविलियन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और मुझे इतनी डायरेक्शन और इतनी गाइडेंस जितनी उन्होंने दी है किसी ने नहीं। मगर उसकी वजह यह थी कि उनके ऊपर जनरल मुशर्रफ थे, ये भी तो वजह ना, उस वक्त तो ये इशू नहीं था आर्मी और ये था। हकीकत जरूर है कि उनके ऊपर जनरल मुशर्रफ थे, लेकिन शौकत अजीज साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो अपने जॉब पर 100% हावी थे,
उनको पता था पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान आलम दुनिया में कहाँ है और पाकिस्तान की क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं इंटरस्टेट रिलेशंस के लिए और इंटरनली। शौकत अजीज़ साहब को पता था, अच्छा कहना बुरा कहना वो मैं सियासतदान नहीं हूँ ना वो उनको मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, वो हुकूमत वक्त थी उसमें मैं सर्व कर रहा था, उससे पहले भी सर्व कर रहा था, उसके बाद भी मैंने सर्व किया है, लेकिन जब वो हुकूमत वक्त थी उन्होंने मेरे क्रेडेंशियल साइन किए थे और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था और भेजा था, तो वो कहते थे उनको पता था कि क्या कहना है, उनको पता था कि क्या, उनको तो पता था, होपफुली जनरल मुशर्रफ को शायद उससे थोड़ा ज्यादा पता होगा, पता था, अगर वो डिसीजन जो थे जनरल मुशर्रफ ही लेते थे शौकत अजीज के, जनरल मुशर्रफ हेड ऑफ स्टेट थे, अनड्यू क्रेडिट भी नहीं देना चाहिए किसी सिविलियन को क्योंकि उस वक्त सिविलियन हुकूमत तो प्रैक्टिकली थी नहीं, इस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट थी, शौकत अजीज की जो गवर्नमेंट थी इट वॉज अ मिलिट्री गवर्नमेंट, उसको तारीख में मिलिट्री गवर्नमेंट के तौर पर ही कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है एम्बेसडर साहब कि ये जितने भी फैसले इस वक्त हो रहे हैं ये आगे जाके सूरत हाल किस किस्म की ऐसी डेवलप हो सकती है कि जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकती है कि नाउ तीन सरहदों के ऊपर जो है थ्रेट्स हैं इंडिया अफगानिस्तान और ईरान, तो पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना चाहिए इसको, ये एक सवाल है और इसका आपके सामने क्या कब तक ये सिचुएशन किस तरह डेवलप हो सकती है, कितनी ख़तरनाक हो सकती है? ख़तरनाक जो होनी थी वो तो सामने आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप है कि ईरान कल अपने फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर भेज दे कि हम उन टेररिस्ट के पीछे जिन्होंने हमारे बॉर्डर गार्ड्स को कत्ल किया है हम उनके पीछे आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया इसलिए हम उनके पीछे आ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे कि सबको पकड़ के सूलियों पे लटका के बॉर्डर पे वो तस्वीर ले सकें, तो इस तरह इंटरस्टेट रिलेशंस में ऐसी बातें ऐसे नहीं तय पाई तय की जाती, लेकिन इस वक्त उनके आर्मी चीफ ने एक ऊंची आवाज़ में एक डिमांड कर दी है, अब उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, बेहतर सोच की तरफ उनका रुख जाएगा और वो इस पर थोड़ा सा नज़र सानी करेंगे। और अगर ईरान की तरफ से कोई मामला ख़राब होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो गुडविल है ईरान के लिए ऑब्वियसली वो मज़ीद डैमेज होगी और उसमें भी बगैर सब मिलिटरली अस्करी हवाले से ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया, ये क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान के हवाले से कोऑर्डिनेशन में हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और क्या अस्करी लिहाज से कितना बड़ा चैलेंज होगा? ये अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान, हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत करीबी ताल्लुक है इस वक्त, और हमारी जो कुछ पॉलिसी रही है उसकी वजह से और हमने अफगानिस्तान को जो इग्नोर किया है उसकी वजह से वो मज़ीद हिंदुस्तान की उसमें गिरफ्त में जा रहा है। ईरान जो है उसकी एक लिंक्स तो हैं इंडिया के साथ, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं कि जो हमारे लिए उस तरह का ख़तरा बन सके कि वो उनके साथ मिल के तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई करेंगे। ईरान ने पहले भी ये थ्रेट्स दिए हैं, वो देते रहते हैं इस तरह के, अगर आप ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने थ्रेट दिए है, ये हमें ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और सबसे पहले अगर हम ईरान को लेते हैं, उन्होंने अपने जो माइनॉरिटीज़ हैं जो सुन्नी माइनॉरिटी है उसको और बलोच है जो उसको इतना प्रेस किया हुआ है कि वो बंदूक उठाने पे मजबूर हो गया है, तो ये ईरान का एक इंटरनल मामला है, उसके स्पेल ओवर पाकिस्तान में अगर आ जाता है तो वो ईरान तो प्राइमरीली ज़िम्मेदार तो ईरान है, तो हमें ईरान के साथ इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो बॉर्डर गार्ड मारे गए ये काफ़ी अंदर मारे गए हैं, मीर जावे में मारे गए हैं, अभी मीर जावे तफ्तार से तकरीबन 15 किलोमीटर से ऊपर के फासले पर है, तो मतलब है कि वो अपने मुल्क के अंदर तो कुछ अपनी सूरत हाल को बेहतर करें कि उन्होंने इतनी अफरा तफरी मचाई हुई है अपने इलाके में, लेकिन हमें फिर भी मैनेज करने चाहिए ईरान के साथ हमें ताल्लुकात में। जो इधर आप आएँ अफगानिस्तान की तरफ आप आएँ तो हमने एक डिप्लोमेटिक मनूवर लॉन्च करना है कि जो ये नेक्सस है इंडिया का और अफगानिस्तान का इसको हमने तोड़ना है और ये तोड़ा जा सकता है, ये ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। उसमें हमें जो है इस वक्त ये जो बातचीत हो रही थी कि अशरफ गनी जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया है और वो थर्ड पार्टी की भी कोई बात कर रहे हैं, अभी इसमें बात ये है कि हेड ऑफ स्टेट्स जो है ना वो दौरा नहीं करते हैं सिर्फ ऐसी फ़ोटो ऑप के लिए, जब तक कोई सब्सटेंटिव चीज़ ना हो उसके सामने तो तब वो आते हैं। वैसे तो हेड ऑफ स्टेट आने जाने के लिए तो कोई और जरूरत नहीं होती है। वैसे तो ईरान के सदर भी आए थे ये फोरम में इजलास के। हाँ नहीं वो आए थे, वो तो बिकॉज वो था ना ईसीओ के समिट था ना, तो उस पर आए थे वो।
तो इसमें जो है अफगानिस्तान को हमें कोई क्विड प्रोको ऐसा देना चाहिए कि वो हम उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करें, और उसमें जो सबसे पहला हमें मुझे नज़र आ रहा है एक स्टेप इस वक्त जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में लेवल ऑफ वायलेंस को, जो तशद्दुद का जो सतह है, उसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आएँ। बिकॉज जो ये अभी तशद्दुद का की सतह है, इसमें अफगानिस्तान हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। मज़ार शरीफ हो रहा है या बाकी हिलमंद में जो कुछ हो रहा है, तशद्दुद किस जगह के तशद्दुद, अफगानिस्तान में नहीं, नहीं बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है उसको कैसे नीचे कौन लाए, मतलब हम पाकिस्तान उसमें मदद करे लाने में, तब जाके कोई अफगानिस्तान जो है ना, जब आप इसको ये वाला देंगे ऑप्शन के हम आपके लिए तशद्दुद ला सकते हैं नीचे, उसके ऊपर मेरे ख्याल में है कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ज्यादातर हमारे हाथ से निकल गया है। अभी तक क्यों नहीं किया फिर हमने, अभी क्यों नहीं किया है, मतलब है कि उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। स्टेटस को के बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा हैं, अफगानिस्तान में भी हैं जो, और पाकिस्तान में भी हैं, और मुजाहमत के अंदर भी हैं, जो मुजाहमत है ना उसके अंदर भी हैं। अभी जो अभी सफीर साहब ने जो बात की कि हमारी गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, अभी इसके ऊपर हम उसको कवर नहीं लेने देंगे कि जी ये तो मिलिट्री हैंडल कर रही है और मिलिट्री हमें काम नहीं करने देती, तो फिर आप वज़ीर आज़म किस बात के हैं, फिर आप वज़ीर ख़ारिजा किस बात के हैं, फिर आप वज़ीर दाखिला किस बात पर हैं, अगर आपको कोई चलने नहीं दे रहा है जैसे आप कह रहे हैं, और या जैसे इंसिनुएशन है कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप रिज़ाइन करें और पाकिस्तान के आवाम के पास जाएं। तरफ से सी जी एस जो है लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर और डी जी एस आई लेफ्टिनेंट जनरल नवीद, वो अफगानिस्तान भी गए, और ख़ासकर एहसानुल्लाह एहसान का जो बयान आया था उसमें डीएस और तालिबान के जो रबतों की बात की थी, इस सारी मालूमात को लेके ये दोनों हजरात गए थे अफगानिस्तान। मगर उससे पहले हमारा एक सियासी डेलीगेशन भी गया। मगर आपको ये मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के ऊपर हमारे जो सियासतदान हैं या सिविलियन गवर्नमेंट है, उनकी इतनी से या उनकी बात में इतना वेट भी नहीं है जितना कि मिलिट्री लीडरशिप का ऊपर। तो किसका कसूर है, कसूर को सर छोड़े, आप ये देखे ना, देखे जी, अगर हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो डील कर रही है, मिलिट्री से डरते क्यों है, जब मैं मेरा मतहत है, मिलिट्री मतहत है ना, खुद कहते हैं कि ये मतहत इदारा है, तो फिर उस मतहत इदारे को बनाए ना। तो आपके ख्याल में सिविलियन की आदत और फौजी की आदत की पॉलिसी और अप्रोच में फर्क है, आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि मिलिट्री कर रही है और पोलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं पता है, तो मैं तो आपकी बात को ले रहा हूं। आपके ख्याल में पॉलिसी में भी फर्क है, तो पॉलिसी में फर्क इसलिए है कि सिविल गवर्नमेंट ने आउटसोर्स किया हुआ है ना अफगान पॉलिसी को मिलिट्री को, तो वापस ले ना, अपने अंदर विल पैदा करे और वापस ले। तो फिर वो डॉन लीक इंक्वायरी, तो क्यों डरते हैं डॉन लीक इंक्वायरी से, मतलब मुझे डर किस बात का है, खुल के जो बात खुल के बात करें, सामने बात करें, प्लांट ना करें, प्लांट ना करें खबरें, आप सीधा बात करें, और अगर कोई नहीं चलने देता है तो फिर मेरा कोई, आई हैव नो बिजनेस टू रिमेन इन गवर्नमेंट, फिर मैं आवाम के पास वापस जाऊं, मैं उनको बताऊं कि जी मुझे मेरी रेट नहीं चलती है, फिर पाकिस्तान का आवाम फैसला करेंगे। तो ये भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, तो फिर कुछ मसला है। जो मामला ड्यूरन लैंड का है, वो चाहे सियासतदान हो चाहे फौजी हुकूमत हो, ड्यूरन लैंड के मामले पे वो नेगोशिएबल नहीं है, इट इज नॉट नेगोशिएबल। और आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि उस तरफ इंडिया जो इन्फ्लुएंस कर रहा है अफगानिस्तान को, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारी सिविलियन क्या इंडिया, मैं इंडिया इंडिया इन्फ्लुएंस ड्यूरन लाइन को नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया अगर करता है इसको रिकग्नाइज नहीं करता है, आप इंडिया से पता कर लें, अगर वो इसको रिकग्नाइज नहीं करता है, तो मैकमोहन लाइन जो उसके साथ चाइना के साथ बॉर्डर है ना, वो अंडर डिस्प्यूट आ जाए, चाइनीज कहते हैं मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा ब्रिटिश और आपका मुआहदा हुआ था, चीन का और बर्तानिया का मुआहदा हुआ था, एंड वी आर अ सक्सेसर स्टेट, रेडक्लिफ लाइन जो आपके और हिंदुस्तान, इंडिया ऑफिशियली तो ड्यूरन लाइन पे कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जो करना है वो सीक्रेट तरीके से करेगा, बिल्कुल कोवर्ट तरीके से करेगा, थ्रू अफगानिस्तान करेगा। तो ऐसे में हम किस तरह इंडिया का जो प्रेजेंस है उसको काउंटर कर सकते हैं, और इंडिया का जो ईरान के साथ ना, मसला जो है ना अफगानिस्तान के साथ और कोई मसला नहीं है, वो ड्यूरन लाइन को आप एक साइड पे कर दें वो जरा लंबा मामला है, आपका मामला है कि आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, और बोथ आर सिक्योरिटी रिलेटेड, वो कहता है कि आपकी तरफ से लोग इधर से कार्रवाइयां करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर शोरिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी फजलुल्लाह बैठा हुआ है, खालिद बैठा हुआ है, सजना बैठा हुआ है, जमात अहरार है, और उसमें इंडिया का भी हाथ है, तो दोनों से आपने इन चीजों को अभी दिस इज दी क्या कहते हैं इसको हब है ये मसले का, इस हब को आप रिजोल्व करें। जी मास्टर साहब, हब को अगर रिजॉल्व करने की बात है तो फिर इतना लंबा हमें रूट लेने की बजाय हम ब्राह रास्त इंडिया के साथ जो है मामलात को क्यों नहीं हल करते, क्योंकि जब तक इंडिया के साथ मामलात हल नहीं होंगे, लग तो ये रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलके इंडिया ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, हल नहीं होने दे रहा।
तो हम किस हद तक इंडिया के साथ मामलात को हल कर सकते हैं और करना चाहिए, और क्या उस हवाले से भी सिविलियन लीडरशिप को लीड रोल लेना चाहिए जो कि बज़ाहिर हमारी सिविलियन लीडरशिप नहीं कर रही, और नवाज शरीफ को अगर वो जनरल साहब मिलते भी हैं तो इतनी बड़ी जिस तरह की खबरें आती हैं उससे तो ये लगता है कि जैसे हमारे वज़ीर आज़म शायद कहीं और किसी और के वज़ीर आज़म बन गए। तो ऐसे हालात में इंडिया के साथ मामलात हल करना कितना ज़रूरी है और कौन कर सकता है? ताली दो हाथों से बजती है, और इंडिया के केस में तो जब इंडिया कुछ विलिंगनेस दिखाएगी मामलात को हल करने के लिए तो पाकिस्तान एक जगह डेढ़ कदम ले सकता है, इंडिया एक कदम ले ले तो बात हल की तरफ कम से कम खुल तो सकती है कि बात करना शुरू करें। तो इंडिया ने तो इस वक्त मोदी की हुकूमत में तो उन्होंने बातचीत या कोई डिस्कशन कोई नेगोशिएशन बंद की हुई है, उसको ऑन होल्ड रखा हुआ है। इंडिया की तो ये पोजीशन है। आती है बात अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान हमेशा ये कहता है कि जी हल की तरफ हमें बात करनी चाहिए। कुछ उनके सर थोड़ी देर के लिए हम इंडिया पे ही अगर रुके तो आप ही कह रहे हैं मोदी की पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्या पाकिस्तान कोई इनिशिएटिव ले सकता है दुनिया को बताने के लिए कि हम बड़े सिंसियर हैं इस मामले में, कोई ऐसा इनिशिएटिव जिससे इंडिया जो है इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली थोड़ा प्रेशर में आए? पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि काम नहीं कर रही, डिसफंक्शनल हो गई है। मोदी को ये बात नज़र आ रही है, मोदी का एम्बेसडर इस्लामाबाद में बैठा है और पूरी एम्बेसी बैठी है और वो पूरी बातें दिल्ली को बता रहा है कि और जब वो फंक्शनल होना चाहती है किसी मामले पर तो तब भी नहीं हो पाती। हाँ शायद नहीं, क्योंकि मिसाल के तौर पे आज अगर नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ इस खत्ते में अमन के लिए, तो क्या वो जा पाएंगे वज़ीर आज़म? वो क्या अपने साथ लेके जाएंगे, क्या चीज़ लेके जाएंगे? साड़ियाँ और मिठाई के डब्बे? उसके साथ तो ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। वो साड़ियाँ पिछली दफ़ा ले गए थे, उसके साथ क्या हुआ? उनको बुला के और साड़ियाँ दी तो क्या हुआ? क्या कितनी आप पेशरफ्त हमने की, पसरफ्ती की? स्वर्न एनिमी ऑफ पाकिस्तान अजीत कुमार डोवाल को अपने घर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेहमान बना के उसकी खिदमत खातर करते हैं, स्वर्न एनिमी ऑफ पाकिस्तान। वो एनिमी ऑफ पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव है। तो वज़ीर आज़म साहब क्या फिर जिंदाल को मिलने जाएंगे सीक्रेट मीटिंग के लिए या डोवाल को मिलने जाएंगे? आप बतौर सफारतकार ये बात कर रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपके ख्याल में कोई अल्टरनेटिव है पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, कोई इनिशिएटिव है जहाँ तक भारत के साथ और कश्मीर का मसला है इसके ऊपर? मगर इसका जवाब एक ब्रेक के बाद आपसे लेते हैं, मिलते हैं। बात हो रही है हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब। ब्रिगेडियर साहब इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की सियासी हुकूमत ऐसा क्या इनिशिएटिव ले कि ये जितने भी इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी है उसमें भी इंडिया का हाथ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है? कुलभूषण जाधव का जो बयान था वो भी ये उसकी कुछ ऐसे मंसूबे थे कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान झड़प हो जाए और खुद कुछ हमले की भी मंसूबा साजी सामने आई। तो ऐसे में इंडिया के साथ हम किस तरह मामलात को ऐसे मामूल पर लाएँ कि ये हमारे सरहदी चैलेंजेस कम हों अगर ख़त्म नहीं भी होते? देखें एक तो जो आपने कहा ना कि हेड ऑफ स्टेट चला जाए वहाँ पर, हेड ऑफ स्टेट ऐसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट ऐसे नहीं जाते हैं कि वो जाके उधर तो वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दें कि जी क्या करना है। ये सबसे पहले निचली सतह के ऊपर या ट्रैक टू के ऊपर या जो फॉरन ऑफिस है उसके जो सेक्रेटरी लेवल है या उससे भी शायद नीचे लेवल पर यह काम शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। सर क्रिकेट देखने चले जाए? नहीं नहीं, क्रिकेट क्या फायदा होगा? हेड ऑफ स्टेट नहीं जाता क्रिकेट देखने? नहीं कोई फायदा नहीं है इसका। सर जनरल ज़ियाउल्लाह वो जनरल थे तो चले गए? नहीं नहीं, जनरल ज़ियाउल्लाह गलत काम किया था, गलत काम किया था ना, कोई फायदा नहीं हुआ। उससे डिफ्यूज हुई टेंशन? नहीं नहीं, कोई टेंशन रिड्यूस नहीं हुई थी। उससे पहले सतार गोंजालेस स्टॉक्स हुई थी उसने टेंशन रिड्यूस की थी, ये तो 23 फरवरी को गया था। लेकिन ब्रास टैक एक्सरसाइज थी, इंडियन फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी थी जब जनरल ज़ियाउल्लाह साहब उधर पहुंच गए थे। बता रहा हूं ना, जब ये जिस वक्त ज़ियाउल्लाह गया हुआ था मैं वापस कंटोनमेंट पहुंच गया था, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैड विथड्रॉन। 4 फरवरी को सतार गोंजालेस स्टॉक्स हुई और उनमें जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे वो वापस चले गए। जब ज़ियाउल्लाह 22 या 23 फरवरी को गए थे सिचुएशन ठीक हो गई थी, कोई वो नहीं था, वो डिसएंगेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से मुराद आपकी आर्मी रिजर्व्स, आर्मी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, सबसे पहले उन्होंने जाना है ना, बिकॉज़ दैट शोज योर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। तो अगर आपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी निकाल ली तो फिर तो आपके बाहर रह गए ना। सिविलियन लीडर क्रिकेट देखने नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, जनरल जा सकता है? नहीं जनरल भी नहीं जा सकता है,
कोई भी नहीं जा सकता जाके वाजपेयी से हाथ मिलाया काठमांडू समिट में, वो हाथ मिलाने से ये काम सियासतदान करे तो वो गद्दार हो जाते हैं। तो सियासतदान खड़ा हो जाए ना, फिर सियासतदान बोलता क्यों नहीं है? मुझे तो ये है कि मैं उसको चाहता हूँ कि वो बोले इसके ऊपर, बोलता नहीं है। तो इसके साथ अभी कश्मीर का जो मसला है वो इस सतह पे पहुंच गया है कि वो अभी अब बड़े क्रिटिकल स्टेज पे हो गए हैं। अभी अगर आपने हिंदुस्तान के साथ इस तरह ताल्लुकात बढ़ाने और प्राइम मिनिस्टर चले जाए या वो इधर आ जाए ये वो जाए, ये मेरे ख्याल में कश्मीर में बड़ा गलत मैसेज जाएगा। सो हिंदुस्तान के साथ आपने इस वक्त आपका यही रहेगा, और अगर कश्मीर का मसला हल भी हो गया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे हमारे लाइफ टाइम में पता नहीं हल होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर हल हो भी गया, आपके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, बिकॉज वो हेजेमोनिक पावर है। वो हमेशा कहेगा कि आप नेपाल के साथ क्या डिस्प्यूट है उसकी, श्रीलंका के साथ क्या डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ क्या डिस्प्यूट है, वो हेजेमोनिक है, वो उनको कहता है तुम ऐसे करोगे। अगर पाकिस्तान मानेगा ये बात, नहीं मानेगा ताल्लुकात खराब रहेंगे। अब मुझे ये बताया ना कि क्या ईरान को अभी, हाँ हाँ अभी आपने जो ये नेक्सस बना हुआ है ना जिसका तरफ आपने जिक्र किया, इसको फ्रेगमेंट करें, कैसे करें? अभी मैंने आपको हल बता दिया कि आपने ईरान के साथ कोई हल निकालना है, जनरल राहिल शरीफ को वापस बुला, नहीं जनरल राहिल शरीफ का नहीं है अभी, उसके बगैर ईरान कैसे मानेगा? मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर आप इसके ऊपर जरा प्रोग्राम करें किस दिन, राहिल शरीफ इज नॉट अ कमांडर, ही इज एन एडवाइजर, वो सिविलियन सूट में बैठते हैं, वो कोई उन्होंने वर्दी कोई नहीं पहनी हुई है, और वो एडवाइजर है। अगर आप उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखें किस दिन इसके ऊपर प्रोग्राम करें कि वो किस तरह, ये नया जो स्ट्रक्चर आया है, ये नया स्ट्रक्चर जो आया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन करेंगे, चूंकि वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और टेररिज्म में और इंसर्जेंसी में। हु विल बी द कमांडर देन? हु इज द कमांडर? सऊदी जो प्रिंस है, आर्मी चीफ, हाँ आर्मी चीफ नहीं, उनका जो प्रिंस है, उनका जो मिनिस्टर है ना डिफेंस, उसके नीचे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी जिसके अंदर थिंक टैंक्स हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है उसकी। मैं संबंधित सवाल है, एक एडवाइजर की नौकरी के लिए हमने ईरान से ताल्लुकात खराब कर लिए? नहीं, ईरान का क्या काम है कि मैं बायलैटरल रिलेशंस में जो मर्जी करूं, व्हाई शुड ईरान इंटरफेयर इन दैट? कंसर्न्स तो होती नहीं, क्यों नहीं कंसर्न्स उसकी होंगी? सऊदी का क्या काम है कि वो हमारे जनरल को ले जाके, हमारा क्या काम है एनओसी देने एक जनरल को? इंडिया को उसने चाबहार दे दिया, उसको बायपास के लिए रोड दे दी, हमने ऑब्जेक्ट किया, वो बायलैटरल है अफगानिस्तान का, ईरान का और इंडिया का। तो मेरा अगर सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल है तो क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ईरान के साथ मुकाबला करना है? नहीं नहीं, मुकाबला कोई नहीं करना है, नहीं नहीं मुकाबला नहीं करना है। देखिए ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात किसी और, हम बायलैटरलिज्म पे जाना चाहिए ना, हमें डिक्टेट ना करे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। ईरान हैज नो बिजनेस, गुडविल भी तो क्रिएट कर सकते हैं। गुडविल नहीं, मैं उसके क्यों गुडविल क्रिएट करूं, वो हमारे लिए गुडविल क्यों नहीं क्रिएट करता है? एक एडवाइजर की नौकरी के पीछे हमने कंट्री से ताल्लुकात खराब कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खराब हुए उस पर नहीं, खराब हुए हैं, खराब हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है उसको मैनेज करें। उसको हम क्यों नहीं रोक सकते? तो मैनेज करें ना, हमारी कमजोरी है तो उसको आप मैनेज करें, ठीक है? अगर उनको कोई शिकायत है, हमें भी शिकायत है, हमें भी उनकी बातचीत करनी चाहिए उनके साथ, कि जो ये वो था, क्या नाम था ये जो आदमी था, ये डुअल पासपोर्ट के साथ कैसे फिर रहा था, कुलभूषण जाधव, हाँ पुलिस स्टेट है ईरान, पुलिस स्टेट है, ये हो सकता है कि उसको पता ना हो, उज़ैर बलोच, उज़ैर बलोच को पासपोर्ट दिया है, ठीक है? तो हमें भी इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, पॉलिटिक नहीं होना चाहिए, बातचीत जो है सियासतदानों डिप्लोमेट्स को करनी चाहिए, मिलिट्री कमांडर्स को नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, जो कि लास्ट टाइम ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ हुआ वो गलत हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल गलत। वो सियासतदान जो अपने सब्जेक्ट को जानते हैं और अब इंचार्ज हो, सिर्फ सियासतदान होना जो है ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आप क्या इस किस्म के कॉम्प्लेक्स बातें करने की। अच्छा वैसे सर, जब मिलिट्री कमांडर्स बॉर्डर पे खड़े होकर मीडिया से टॉक करते हैं जी, और बॉर्डर इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, उसका इंटरनेशनली क्या मैसेज जाता है? बॉर्डर्स को संभालता कौन है? जब फौज अंदर मुदाखलत करती है तो कहते हैं जाओ आप, जब सीएन मिलिट्री कमांडर अनाउंस कर रहे होते हैं तो उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए? नहीं तो फिर कौन करे? फॉरेन ऑफिस, फॉरेन ऑफिस उधर तो नहीं पहुंचती, चमन तो नहीं पहुंचती? नहीं, लेकिन ये कि आजकल के दौर में फॉरेन ऑफिस फ्लाई करके जाएगा सर? नहीं ये इस तरह, मतलब ये टेलीफोन कॉल की बात है, इंटरनेट है, देखिए तो फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं प्रेस स्टेटमेंट जारी करता है, मिलिट्री कमांडर क्यों बॉर्डर पे खड़े होकर ये बातें कर रहा हो? एक कौमी सिस्टम में ड्यूटीज एलोकेट होती हैं मुख्तलिफ इदारों, आप खुद ही कह रहे हैं कि मामलात गवर्नमेंट के लेवल पे होने चाहिए, मिलिट्री कमांडर नहीं होनी चाहिए, गाइडलाइन गवर्नमेंट से आती है, वो फौजी क्या मजाक इस केस में गाइडलाइन आई नहीं आई तो नहीं देने हैं, नहीं दे सकते ना, देते नहीं है गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन देगा तो गाइडलाइन देगा ना, गवर्नमेंट का बातें नहीं पहुंचती हैं इनके ज़हन में, कोई विजन कोई डायरेक्शन कोई हो तो ये आगे से गाइडलाइन, इनको कोई इंफॉर्मेशन देगा तो विजन होगा ना, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे इन्हें। नहीं बगैर साहब आपके ख्याल में टू वे नहीं है? टू वे नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन फ्लो। एक बात ये है, क्यों नहीं मैं क्रिस्टल नहीं देता, जॉन निकल्सन नहीं देता स्टेटमेंट्स,
अफगानिस्तान में नहीं देता स्टेटमेंट सर, फॉरेन कंट्रीज में, ऑक्यूपाइड कंट्रीज में देते हैं अमेरिका के अंदर खड़े होकर नहीं देते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल अपनी डिफेंस पॉलिसी पे अमेरिकन जनरल नहीं ब्रीफिंग करते उधर खड़े होकर, ऐसे तो नहीं होता, उधर उनके सेक्रेटरी खारजा है, सेक्रेटरी स्टेट है। मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर उनका जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ, ये माइक मुलन क्या बात करता था सर, कांग्रेस के अंदर सवाल जवाब होते हैं, पार्लियामेंट में पेश होते हैं, उनकी आप मिसाल तो आप तो ना, पेश बुलाए ना, तो मतलब बुलाए ना, क्या प्रॉब्लम है, मिलिट्री खुद चले जाए, जाके पार्लियामेंट में बैठ जाए और जाके कहकर मेरे से सवाल पूछा जाकर मैं जवाब दूं, आप समन करें ना उसको, ये तो यहाँ आपकी डिफेंस मतलब है कि ये आप खुद उसको वो कर रहे हैं, आप मुझे समन करें, और इफ आई एम मिलिट्री कमांडर मुझे समन, अगर मैं नहीं आता हूँ तो फिर टेक मी टू टास्क। हमारी बदकिस्मती है कि जी जी जमाल साहब जो एक सियासतदान है वो यहाँ पे नहीं है, तो हमें डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है सियासतदानों के बिहाफ पे, और जब ऐसे मौके पे सियासतदान मौजूद नहीं होंगे तो फिर वैसे मौके पे कहाँ होंगे, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे तो सिर्फ बहस और मुबहसा होता है। जी जी जमाल साहब ने हमसे कमिट किया था, प्रॉमिस किया था, हमारी कोशिश है कि टेलीफोन पर हमें और भी कोई मिल सके, मगर एम्बेसडर साहब मैं आखिर में अब क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, मुझे मुख्तसरन ये बता दें कि बतौर डिप्लोमैट जी आप समझते हैं कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर ना होना जो है वो कितना हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है, और फॉरेन मिनिस्टर की कितनी अहमियत है? सरताज अजीज साहब तो हैं, एक मुशीर हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक टाइटल है, यही सरताज अजीज साहब पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, तो वो सरताज अजीज साहब आप कोई नाअहल या कमज़ोर या बेवकूफ़ नहीं हो गए। वज़ीर आज़म भी एक टाइटल है, हाँ उसकी जगह चीफ एग्जीक्यूटिव भी चल सकता है, हाँ क्यों नहीं, मतलब हमारे चला है। पार्लियामेंट के मुंतखब लोग जब जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो अवाम के उमंगों की तर्जुमानी कैसे करेंगे, तो ये कसूर किसका पॉलिसियों में, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट का, पार्टी लीडर का, जो कि नहीं बनाता अपने 172 नफरी पार्टी में से किसी को ट्रस्ट नहीं करता कि वो मेरे से ज्यादा चमके और दुनिया में फिरे और फॉरेन मिनिस्टर बने, और एक शरीफ आदमी को, बुजुर्गवार को उन्होंने एडवाइजर फॉर फॉरेन अफेयर्स रखा है, उनकी कितनी एडवाइस सुनते हैं ये तो उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता इसका। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर तारिक अज़ीज़ुद्दीन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब। ताहिर खान ने पाकिस्तान के सहाफ़ी अफगानिस्तान से हमें ज्वाइन किया, वो कहते हैं कि वॉर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मगर पाकिस्तान का अगर हिसाब से देखा जाए तो शायद आवर फॉरेन पॉलिसी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर। जिम्मेदारियाँ जिसकी हैं वो नहीं निभाई जाती, जो हुकूमत है वहाँ पे पॉलिसियाँ बननी चाहिए, जबकि हमारी पॉलिसियाँ शायद सरहदों के ऊपर बॉर्डर पोस्ट पर बन रही होती हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान तीन अतराफ से जो है वो तीन ममालिक के साथ, पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी में है। हमें अपनी गलतियों का इदराक करना होगा, और शायद यही वक्त है, और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। जिम्मेदारियाँ मुंतखब नुमाइंदों को उठानी होंगी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी जो है बहुत अहम फैसले करने होंगे। अपना अपना गिरेबान से इतना ही, मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।